दोस्तों नमस्कार देवानंद आज होते तो निन्यानवे बरस के होते और अगर वह निन्यानवे बरस के भी होते तो भी उनकी हाथों में स्क्रिप्ट होती वह स्क्रिप्ट को ठीक कर रहे होते और स्क्रिप्ट के अनुकूल उस दृश्य को अपनी आंखों में विजुलाइज कर रहे होते और सोच रहे होते कि कौन सी नायिका इसमें फिट बैठेगी क्या किसी नई लड़की को इसमें लेकर आया जाए वह खोज में निकल जाते जी निन्यानवे बरस की उम्र में भी क्योंकि जब मौत आई तब भी उनकी उम्र इस ढलान पर थी कि बड़े बड़े कलाकार उस उम्र में सोच नहीं सकते हैं कि सिल्वर स्क्रीन को जिया भी जाए लेकिन लंदन के वाशिंगटन मेफेयर होटल में हरे रामा हरे कृष्णा की सिक्वल बनाने के स्क्रिप्ट को लेकर वो बैठे थे हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई वो नहीं चाहते थे कि उनका चेहरा उनके फैंस उनकी मौत के बाद देखें क्योंकि मौत की बात का चेहरा शायद फैंस के उन चेहरों को भुला देता है जो उनकी आंखों में जवानी के दौर में सिल्वर स्क्रीन से रेंगते हुए दिलों तक पहुंचे हो देवानंद इसका भी एक किस्सा है तो आज क्यों नहीं देवानंद को इस रूप में जिया जाए कि जब मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता बॉलीवुड को बांट चुकी हो और बॉलीवुड में से भी कोई आवाज सत्ता को लेकर निकलने की स्थिति में ना हो जरा कल्पना कीजिए इमरजेंसी के दौर में एकमात्र शख्स दिल्ली आकर अगर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को चिताता है कि यह लोकतंत्र है हमें अपने तरीके से सोचने और कहने का हक है तो फिर इमरजेंसी के दौर में भी सत्ता उन पर लगे उस प्रतिबंध को हटा लेती है जो प्रतिबंध लगाया गया था यह सारे किस्से क्या हैं हमें लगता है कि आज उस राजनीतिक परिस्थितियों में देवानंद को जीने की कोशिश की जाए जो शायद आपको पता नहीं होगी और इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग किताब और उनकी अपनी बायोग्राफी उनके साथ रहे लोग उसमें एक नाम मोहन चूड़ीवाला जो अभी शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं काम भी करते हैं और जो उनकी अपनी रोमांसिंग विद लाइफ यह बायोग्राफी जो है इसके मद्देनजर और अन्य किताबों के जरिए जो बात निकल कर आई शायद वह मौजूदा वक्त में हर उस शख्स को जाननी चाहिए जो यह सोचता है कि इस देश के भीतर में शायद क्रिएटिविटी ही एक धड़कन है वो अगर सोचता है कि लोकतंत्र भारत को महान बनाता है और उसमें फिल्म इंडस्ट्री का क्या योगदान हो सकता है उसे यह सोचना होगा और सुनना होगा 18 फरवरी उन्नीस प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वह फोन करते हैं देवानंद को और कहते हैं कि कल सुबह तैयार रहिएगा हमारे लोग वहां पर पहुंचेंगे और आपको दिल्ली आना है और आपको लाहौर चलना है देव साहब कहते हैं तैयार रहिएगा का मतलब क्या है पीएमओ के एक अधिकारी उसके बाद फोन करते और कहते हैं कि दरअसल तैयार रहने का मतलब यह है कि आप अपने कपड़े रख लीजिए और पासपोर्ट रख लीजिए और सुबह सुबह घर के दरवाजे पर प्रोटोकॉल के हिसाब से अधिकारी पहुंचते हैं और फिर वह दिल्ली और उसके बाद दिल्ली से उस बस में सवार होते हैं जिस बस को लाहौर जाना है हालांकि उस बस में शत्रुधन सिन्हा भी थे जो बाद में बीजेपी में आ गए अभी वहां से निकल गए लेकिन उस बस में जावेद अख्तर साहब भी थे सतीश गुजराल भी थे लेकिन उस बस में देवानंद को होना होगा यह एक झटके में और आखिरी वक्त में क्यों कहा गया इस बात का जिक्र इस बात से समझिए कि देव साहब का रुतबा और देव साहब की पसंद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और पड़ोसी मुल्कों में भी तूती बोलती थी नवाज शरीफ नवाज शरीफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा था आपके लिए मैं इंडिया से क्या लेके आऊं नवाज शरीफ ने कहा कि ला सकते हैं तो देवानंद को ले आइए और इस बात का जिक्र खुद नवाज शरीफ ने हाइट पार्क में टहलते हुए देवानंद को कहा हाइट पार्क के करीब ही देव जिस होटल में रुकते रहे और जहां उनका सूट बुक था उसके ठीक समानांतर एक दूसरी गली में वहां पर एक विला नवाज शरीफ का जो आज भी है और अक्सर देव साहब जब लंदन पहुंचते जो उनका सबसे प्रिय शहर था नवाज शरीफ भी वहां से आ जाते और नवाज शरीफ ने ही ये वाकया बताया और इसकी जानकारी मोहनचूरीवाला के जरिए हमारे पास भी पहुंची क्योंकि खुद मोहनचूरीवाला उस वक्त उनके साथ मौजूद थे सवाल इसके आगे का है कि क्या राजनीतिक तौर पर पसंद सिर्फ नवाज शरीफ की जी नहीं इसके ठीक परिस्थिति से आगे बनिएगा तो नेपाल के किंग महेंद्र से बड़ी शानदार दोस्ती थी दोस्ती ऐसी कि जब बुलाना होता था तो और कहते थे कि आप डिनर आज हमारे साथ करेंगे तो उनकी चार्टेड नेपाल से मुंबई में आ जाती थी और देव साहब पहुंच जाते थे वहां पर लेकिन यह किस्सा दूसरा है यह किस्सा है कि एक वक्त किंग महेंद्र के जो करीबी थे वह देव साहब को ले गए थे एक हिप्पी कल्ट के इलाके में जहां हिप्पीज रहते थे और वहां पर घूमते घूमते उन्होंने जो देखा कि गोरे लोग जिस तरीके से नशा कर रहे हैं और उनके बीच एक हिंदुस्तानी लड़की बैठी है ये लगभग सत्तर के दशक का वक्त का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उस दौर में जब वो वहां पर पूरा नज़ारा उन्होंने देखा और गोरों के बीच एक हिंदुस्तानी लड़की है उसके रंग से उन्होंने भापा लेकिन एक झटके में उस लड़की ने जब यह कहा बॉब मेरा चश्मा देना तो यह उनके जहन में लगातार बैठ गया कि यह हिंदुस्तानी है और उन्होंने मिलना चाहा तो उस अधिकारी ने कहा जो किंग महेंद्र के प्रोटोकॉल अधिकारी थे अभी नहीं इनको हम बुला लेंगे बाद में मिलिएगा अलग से मिलिएगा यहां मिलना ठीक नहीं है जब होटल में बुलाया गया और बातचीत हुई तो उस लड़की ने जानकारी दी कि वो कनाडा से भाग कर आई माता पिता के बीच जो भी परिस्थितियां पनपी वो रह नहीं सकती थी और उसके बाद उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या उन्होंने बताया जसबीर नाम है लेकिन यहाँ मुझे जसबीर के तौर पर नहीं बल्कि जैसी के तौर पर जानते हैं और कमोवेश यही स्थिति हरे रामा हरे कृष्णा जो जसबीर से जस्सी के तौर पर उभरी हरे रामा हरे कृष्णा को बनाने की उन्होंने सोची लेकिन बात यही नहीं रुकती है आप कल्पना कर रहे हैं उसके बाद वो दोबारा गए और किंग महेंद्र से उन्होंने कहा हम फिल्म की एक शूटिंग करेंगे इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की एक चार्टेड की और देव साहब पोखरा पहुंचे तीन दिन वहीं रहे पूरे स्क्रिप्ट उन्होंने लिख डाली और स्क्रिप्ट को फाइनल रूप दिया लौटे तो वह स्क्रिप्ट उस चार्टेड प्लेन में बिखर गई वह वापस लौटे आए होटल से वापस लौटे कि कहीं उन पन्नों को चार्टेड पेन को साफ करने वाले शख्स ने दरकिनार ना कर दिया हो फिर वो दोबारा लेकिन वो मौजूद थे कागज और उसके बाद फिल्म बनाई लेकिन मुसीबत यह थी कि पतिनाथ मंदिर के भीतर हिंदुओं के अलावे किसी दूसरे धर्म के लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी देव साहब किंग महेंद्र के कितने करीब थे या किंग महेंद्र देव साहब को कितना मानते थे इस बात से सोचिए कि पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर जो बोर्ड लगा था उस बोर्ड को ढक दिया गया व्यवस्था की गई कि वहां पर फिल्म की शूटिंग हो क्योंकि देवानंद ने कहा था मेरी नायिका भी मुसलमान है और मेरा कैमरामैन भी मुसलमान है और उसमें याद कीजिए उस फिल्म में जिना तमान मुमताज कैमरामैन भी उनका मुसलमान था और उसके बाद पशुपाति नाथ मंदिर में जो हिंदुओं के अलावे किसी दूसरे की जाने की इजाजत नहीं थी विशेष अनुमति दी गई फिल्म बनी और रोमांसिंग विद लाइफ जब इस फिल्म के बारे में जिक्र होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई लेकिन एक बात का जिक्र उन्होंने किया जीना तमान के साथ काम करते हुए उन्हें इश्क हो गया और इस किताब में उन्होंने अपने इश्क का जिक्र भी किया है उन्होंने कहा एक दिन मैंने महसूस किया कि मुझे जीनत से इश्क हो गया मैंने उसे यह बताने के लिए ताजमहल के रेंडाबू रेस्तरा में एक टेबल बुक कराई उससे पहले हमें साथ साथ एक पार्टी में जाना था वहां सबसे पहले जब हम पहुंचे तो जीनत अमान का स्वागत नशे में शराब के नशे में चूर राज कपूर ने किया जीनत ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की लेकिन मुझे लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ हैं राज कपूर ने मेरे सामने ही जीनत को उल्हाना दिया तुमने हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनने का अपना वादा नहीं निभाया उसके बाद मुझे लगा जीनत के साथ रुकना ठीक नहीं और मैं वहां से चल पड़ा जीनत के बाद उसके बाद कभी नहीं मिला देवानंद जो प्रयोग सिल्वर स्क्रीन पर करते और जिंदगी में जीते उसमें एक चीज और समझिए कि देवानंद राजकपूर और दिलीप कुमार एक ट्रेजेडी किंग है एक ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मेरा जूता है जापानी कहके फिल्म आवारा के जरिए और श्री 420 के जरिए दुनिया में राज किया और दूसरी तरफ देवानंद नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नेहरू के साथ उस समय उन्हें कुछ बुखार था उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं मिलूंगा इन तीनों से तीनों को बुलाया गया इस दौर में क्या यह संभव है जो अब संवाद होने वाला है क्योंकि संवाद का जिक्र भी उनकी किताब में ही इस बात का जिक्र किया गया है देवानंद ने जो आत्मकथा लिखी है राज कपूर दिलीप कुमार और देवानंद तीनों पहुंचे नेहरू ने तीनों को बुलाया कुछ तबीयत नासाज थी लेकिन वह अपनी स्टडी रूम में ले गए और स्टडी कक्ष में पहुंचते ही जो बीमार थे एक लिहाज से नेहरू मूड में आ गए और जैसे ही मूड में आए तो राज कपूर सबसे ज्यादा उश्रृंखल थे राज कपूर ने कहा पंडित जी हमने सुना है आप जहां भी जाते हैं औरतें आपके पीछे भागा करती हैं राज कपूर के इस बात को सुनकर उन्होंने ठाका लगाया और कहा मैं इतना लोकप्रिय नहीं था जितने तुम लोग हो संवाद देखिए तब तक देवानंद ने कहा लेकिन आपकी गजब की मुस्कान में लेडी माउंट बेटन का दिल जीत लिया था क्या यह सही बात नहीं है हालांकि कहते हैं अपनी किताब में लिखते वक्त जवाहरलाल नेहरू का चेहरा लाल जरूर आया लेकिन उन्होंने सवाल का आनंद लिया और हंसते हुए कहा अपने बारे में कही गई इन कहानियों को सुनकर मुझे मजा आता है तब तक दिलीप कुमार बोल पड़े और दिलीप साहब ने कहा लेकिन लेडी माउंट बेटन ने खुद स्वीकार किया था कि आप उनकी कमजोरी हैं नेहरू फिर भी नहीं रुके और उसी अंदाज में उन्होंने हंसते हुए कहा और ठाका लगाया जोर से और फिर कहा लोग चाहते हैं कि मैं इन कहानियों पर यकीन कर लू प्रधानमंत्री देश के पहले और तीन कलाकार सिल्वर स्क्रीन के नायक जो अपनी अपनी जिंदगी को नए नए तरीके से सिल्वर स्क्रीन को पहचान देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ख्याति पा चुके हैं उनके बीच प्रधानमंत्री का यह वार्तालाप क्या मौजूदा वक्त में संभव है मसला आम पर आ जाए जी नहीं देवानंद का जिक्र है तो इसमें एक चीज और समझिए कि जब वो गाइड बना रहे थे तो गाइड बनाते वक्त उन्होंने गाइड बनाने के बाद जब आर के नारायण से सहमति बना ली कि वो फिल्म बनाएंगे तो नागपुर के एक कार्यक्रम में वहां नेहरू से मुलाकात हुई उनकी यह जिक्र हम आपसे कर रहे हैं लगभग तिरसठ के आखिरी महीनों का वहाँ पर उनके कान में कहा देवानंद ने कि मैं गाइड पे फिल्म बना रहा हूँ जो आर के नारायण आपने पढ़ी भी होगी उन्होंने बोला हाँ पढ़ी है लेकिन बहुत शानदार है आप फिल्म बना रहे हैं गुड बनाइए कीप इट वेल और उन्होंने उसको फिल्म बनाने की दिशा अपनी बात को रखा लेकिन यहाँ पर सवाल गाइड का नहीं है यहाँ नेहरू और देवानंद की करीबी का है और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देवानंद को लेकर इमरजेंसी के वक्त उन्हें एक कांग्रेस के कार्यक्रम में बुलाया गया उस कांग्रेस के कार्यक्रम में उनको एक लिहाज से जय जयकार करनी थी कांग्रेस की और इमरजेंसी लगी हुई थी देवानंद ने इनकार कर दिया कि मैं जय जयकार करने कांग्रेस की नहीं आऊंगा जब देश में इमरजेंसी लगी हुई है एक लिहाज से यह राजनीतिक बयान था और उस वक्त जो विद्याचरण शुक्ल हुआ करते थे उन्होंने दूरदर्शन और विविध भारती पर देव साहब की फिल्में और गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया देव साहब ने यह जब सुना तो उन्होंने तय किया कि विद्याचरण शुक्ल से मिलने के लिए वो दिल्ली आएंगे याद कीजिए उस दौर में प्रतिबंध किशोर कुमार को लेकर भी लगा था प्रतिबंध उस वक्त फिल्म आंधी को लेकर भी लगा था और कहा गया था कि इंदिरा गांधी की छवि को यह ठीक तरीके से फिल्म उभार नहीं रही है लेकिन बॉलीवुड के भीतर किसी ने हिम्मत नहीं की इस रूप में जो देवानंद ने की और कह मैं जाऊंगा और मिलूंगा यह देश लोकतंत्र के आश्रय जीता है और उसके बाद जब उन्होंने विद्याचरण शुक्ल से मुलाकात की तो दो ही लाइन कही हम लोकतंत्र में रहते हैं क्या हमें अपने मन के मुताबिक चलने का कोई हक नहीं है और इसका असर यह हुआ कि देव साहब जब दिल्ली से वापस मुंबई लौटने की फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट जब तक मुंबई में उतरती तब तक प्रतिबंध हटा लिया गया था देव साहब बहुत साफ तौर पर मानते थे कि जिंदगी इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि जो जो स्क्रीन पर है है, और जो आपके दिल में है, दोनों के बीच अगर मेल हो जाएगा, तो शायद हकीकी तौर पर जो चीजें नजर आ रही हैं और लोग जो आपके फैंस होते हैं उनसे आपको रूबरू होने में कोई मुश्किल नहीं होगी आप बहुत ही सामान्य तरीके से उनसे मिलेंगे और वही आपको लार्जर देन लाइफ बनाते हैं चालीस फिट का सिल्वर स्क्रीन आपको लार्जर देन लाइफ नहीं बनाता है लोगों के दिलों में जब आप राज करते हैं तो वो आपको देवानंद बनाता है और देवानंद ने राजनीतिक तौर पर जितने भी प्रयोग किए उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भी हालांकि उन्होंने बनाई नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया राजनीतिक सपने भी हो सकता है उन्होंने पाले हो उन्होंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी एक फिल्म बनाई थी लेकिन जब चुनाव आए तो उन्होंने कहा बहुत कम दिन है और राजनीतिक कोमल दिल कलाकारों के लिए नहीं है और पार्टी का पतन इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार अच्छे नहीं मिले अब यहां पर सवाल था कि उनके अपने इश्क दास्तान को क्या सुरैया के साथ जोड़कर देखा जाए इसकी भी अलग अलग कहानियां हैं सुरैया के लिए उन्होंने कहते हैं मुंबई के जावेरी बाजार से एक हीरे की अंगूठी खरीदी थी लेकिन सुरैया की नानी बादशाह बेगम को यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो उन्होंने उस हीरे की अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया ए जर्नी डाउन मेलोडी लेन यह किताब राजू भारतन ने लिखी है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि सुरैया मुझे मेरिन ड्राइव पर अपने कृष्ण महल की बालकोनी पर ले गई और उन्होंने बताया कि किस तरह नानी ने देवानंद की दी हुई अंगूठी को मेरिन ड्राइव के समुद्र में फेंक दिया लेकिन सिंह विद लाइफ में देवानंद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि सुरैया मेरी भेजी हुई अंगूठी समुद्र के सामने ले गई उसे आखिरी बार प्यार से देखा और उसे उस समुद्र की लहरों में फेंक दिया आपके जहन में टाइटनिक तो नहीं आ गया ना टाइटनिक में भी अंगूठी फेंकी गई थी लेकिन बहरहाल नई परिस्थिति में जोड़िए तो इसमें एक गाइड फिल्म का जिक्र भी जरूर होना चाहिए और शायद देवानंद ने जो प्रयोग किए साहिर लुधियानवी उनके साथ लगातार रहे एस टी बर्मन उनके साथ लगातार रहे लेकिन एक नाम मौजूदा पीढ़ी के लिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नीरज को गोपाल दास नीरज कार वहां बदल गया गुबार देखते रहे इसके जो गीतकार थे उनको पहली बार देव साहब ने ही जगा दी लेकिन वह किस्सा भी बड़ा शानदार है राकेश झुंझुनवाला के पिता हुआ करते हैं राधेश्याम झुंझुनवाला राधेश्याम झुंझवालाठ के दशक में इनकम टैक्स कमिश्नर मुंबई में थे उन्होंने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया उस कवि सम्मेलन में वो चाहते थे कि देव साहब आए देव ने कहा कि फिल्म की शूटिंग है तो उन्होंने उनको मुख्य अतिथि बना दिया और कहा कि एक नायाब कवि से मैं आपको मिलाता हूं वह उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं गोपाल दास नीरज का यह जिक्र था और उनकी कविताओं को सुनकर देव साहब इस तरीके से मचल गए कि उन्होंने कहा हम लोग काम करेंगे और उसके बाद उनका एक पत्र जब नीरज को मिला तो नीरज मुंबई आ गए और पहली फिल्म थी वह प्रेम पुजारी प्रेम पुजारी में एक के बाद एक गाने अगर याद कीजिएगा 1970 में फिल्म बनी थी रंगीला रे तेरे रंग में जो गीत उन्होंने लिखा या शोकियों में घोला जाए थोड़ी सी शराब या फूलों के रंग से दिल की कलम से ये गाने पहली कतार में जो लिखे गए या पहली फिल्म जो लिखे गए नीरज ने लिखे लेकिन उस कवि सम्मेलन को आयोजित करने वाले राकेश झुंझुनवाला जो इनकम टैक्स कमिश्नर राधेश्याम झुंझुनवाला जो राकेश झुंझुनवाला के पिता इस तरीके से फिल्में भी चला कर दी थी लेकिन यहां पर अब आपको एक जिक्र आखिर में गाइड का करना चाहिए गुरुदत्त का करना चाहिए और गुरुदत्त के आसरे गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती का भी करना चाहिए दोनों की दोस्ती हुई दरअसल मुंबई के एक ही चाल में रहते वक्त जिस धोबी ने दोनों की कमीज ली वो कमीज़ अदला बदली हो गई और दोनों ने कमीज जब एक दूसरे को देखी कि हमारी कमीज आपने पहनी है आपकी कमीज़ हमने पहनी है दोस्ती वहीं पर हो गई और दोनों ने तय किया कि जिस दिन मैं फिल्म बनाऊंगा डायरेक्टर तुम्हें रखूंगा उसने कहा जिस दिन मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा हीरो तुम्हें रखूंगा हालांकि गुरुदत्त इस वादे को निभा नहीं पाए वह खुद हीरो अपनी पहली फिल्म में बन गए लेकिन अपनी पहली फिल्म बाजी जो के तहत उन्होंने बनाई उसमें डायरेक्शन का काम गुरुदत्त को दिया लेकिन इस दोस्ती के मद्देनज़र कुछ अलग बात है राज कपूर ने भी वक्त से आगे फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर चल नहीं पाई प्यासा गुरुदत्त ने बनाई थी वक्त से आगे तीनों बैठकर देख रहे थे और गुरुदत्त ने गुरुदत्त की इस फिल्म को देखते वक्त राज कपूर ने देवानंद से सवाल किया था क्या यह फिल्म चलेगी और इस फिल्म के मद्देनज़र देव साहब ने खामोशी बरती लेकिन देव साहब अपने तौर पर फिल्म गाइड भी वक्त से आगे लेकर आ गए क्योंकि उस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटली अफेयर्स को लेकर फिल्म बनाना सोचना बड़ा मुश्किल काम था परिवार के साथ लोग फिल्म देखने जाया करते थे लेकिन इस फिल्म को लेकर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से इस फिल्म को बनाने की दिशा में बड़े उसमें शुरुआती दौर में वो चाहते थे कि बड़े भाई चेतन आनंद इसका डायरेक्शन करें लेकिन वो फिल्म हकीकत बना रहे थे तो उन्होंने हाथ खड़े किए तब राज खोसला से बात हुई लेकिन राज खोसला को वहदा जी से कुछ समस्या थी तो उसके बाद छोटे भाई गोल्डी यानी वजय आनंद को डायरेक्शन में लेकिन गाइड के पूरे उपन्यास की नई तरीके से स्क्रिप्ट लिखते हुए कहानी ही बदल गई और आर के नारायण नाराज भी हो गए लेकिन देव साहब ने कहा एक बार फिल्म तो देखिए और जब फिल्म देखी आर के नारायण ने तो गुस्सा काफूर हुआ और उन्होंने कहा यह अपने आप में एक लाजवाब कृति है अब आप सोचिए उस दौर में चले जाइए जब उन्नीस के वक्त तमाम नायिकाएं चाहती थी कि देव साहब की फिल्मों में साथ काम करें और उस दौर की हर नायिका को आप देख लीजिए लेकिन इस फिल्म के भीतर उन्होंने वहिदा को लिया और वहिदा को बाकायदा ट्रेनिंग के लिए कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग से ट्रेनिंग चलती थी नृत्य की क्योंकि इसमें नृत्य की महत्ता थी और एक ऐसी औरत की कहानी जो औरत अपने पति से अलग और उसके रिश्ते देवानंद के साथ और नर्तकी के तौर पर अंतरराष्ट्रीय पहचान पाना इन सारी परिस्थितियों को जीते हुए देवानंद ने जब गाइड बनाई तो चकाचौन थी सिल्वर स्क्रीन के भीतर लोगों को यह भरोसा ही नहीं था मसलन शुरुआत का गीत में पूरी फिल्म के हर दृश्य को उन्होंने समेट के रख दिया मुसाफिर तू जाएगा कहां नायाब प्रयोग उनकी आंखों के सामने हर फिल्म को लेकर लगातार चलते रहता था और शायद यही वक्त है और यही बात है कि जब उन्होंने अपने तौर पर गाइड को आगे बनाया तो तीन फिल्मों का जिक्र लगातार हुआ राज कपूर की फिल्म गुरुदत्त की फिल्म और देवानंद की फिल्म वक्त से आगे ये तीनों क्या चल रही थी और इन तीनों फिल्मों के मद्देनजर अगला सवाल शायद आखिर का सवाल सबसे बड़ा था कि देव साहब जिस जिंदगी को जीना चाहते थे जिस रूप में जीना चाहते थे वह आखिरी वक्त तक उन्होंने जिया और जब वाशिंगटन में फेयर के सूट में वह जो काम कर रहे थे वह हरे रामा हरे कृष्णा की स्क्रिप्ट पर काम करते सिक्वल बनाना चाहते थे और हरे रामा हरे कृष्णा आज और वाला बताते हैं कि उस वक्त वह खुद भी उनके साथ थे और उस पर वो काम कर रहे थे कार्डिय कैरिस्ट हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ लेकिन सवाल था कि क्या उनके शव पार्थिव शरीर को इंडिया लाया जाए यहां पर एक किस्सा वाला बतलाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है राजकुमार की जो सिल्वर स्क्रीन पर आइडेंटिटी थी वह आइडेंटिटी आज भी हमारे और आपके जहन में होगी उनकी डायलॉग डिलीवरी हो चाहे पाकिजा का रोल हो ये पांव जमी पर मत रखिएगा मैले हो जाएंगे उस राजकुमार को जीते हुए देव साहब उसके भी बड़े मुरीद थे और एक बार उनकी बेटी वास्तविकता जो नाम है वह देव साहब के पास आई काम मांगने के लिए और तब देव साहब ने कहा तुमने जानकारी तक नहीं दी कि राजकुमार का निधन हो गया तुमने बताया भी नहीं तब तो वास्तविकता ने एक कहानी बताई और कहा कि दरअसल देखिए ऐसा है उस दौर में एक कुरकुरे इंट्रोड्यूस हुआ था जो खाया जाता है नमकीन उसमें जूही चावला उसका विज्ञापन करते थे उन्होंने कहा कि आप जब कुरकुरे लेते हैं तो आपको कौन सी तस्वीर उभरती है जूही की तस्वीर उभरती है राजकुमार का यह मानना था यानी अपने पिता के बारे में बता रही थी उनका यह मानना था कि फैंस की आंखों में जो सिल्वर स्क्रीन के चेहरे हैं वही रहें मौत के बाद के चेहरे नहीं रहें जिसमें नाक में रुई हो और चेहरा एक अलग विभस्त तरीके से हो यह रेंग रेंगना नहीं चाहिए तो उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लोगों के बीच ही उनका अंतिम संस्कार हुआ और उस अंतिम संस्कार में सिर्फ चेतन आनंद को बुलाया गया था जो देव साहब के भाई थे देव साहब ने उसके बाद इच्छा व्यक्त की कि मेरी बॉडी को भी किसी को नहीं दिखाना मेरी मौत के बाद और जब होटल में हार्ट अटैक तीन दिसंबर को आया तो उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जाना फिर क्रिमिनेशन के जो लोग होते हैं वो आए और फिर लंदन में ही उनके बॉडी का दफना दिया गया या अंतिम संस्कार कर दिया गया लेकिन तस्वीर जो आँखों में रेंगे वो देव साहब की उसी तर्ज पर आज भी रहेंगे आप रोमांसिंग विद लाइफ को पढ़ते वक्त ये सारी स्थिति महसूस कर सकते हैं और पुराने वक्त की हर फिल्म की कतार वो थिव भी हो सकती है वो जॉनी मेरा नाम भी हो सकती है हर फिल्म को याद कीजिए उस दौर को जीना हम दोनों भी हो सकती है और गाइड भी हो सकती है वही तस्वीर आंखों में तो निन्यानवे बरस हो या सौ बरस या एक सौ निन्यानवे बरस देवानंद की तस्वीर जो हर आंखों में है वही जिंदा रहेगी यह देव साहब ने उम्र को मात दी और शायद आज जन्मदिन है तो यह भी उनके लिए उत्सव का दिन बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया